बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने काफिर से सबका दिल जीता था। काफिर की कहानी वाकई बहुत मजेदार थी और दर्शकों को ये स्टोरी बेहद पसंद भी आई। अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों के तलखी चल रही थी और दोनों तरफ राष्ट्रवाद का बोलबाला था, तो ऐसे में निर्देशक सोनम नायर ने वेब सीरीज काफिर के जरिए दोनों देश के बीच की दुश्मनी को अलग अलग रिश्तों को इंसानियत के नजरिए से दिखाने की कोशिश की है। काफिर की कहानी शुरू होते ही एक पत्रकार वेदांत राठौर से, जो चैनल के हेड के कहने पर एक मानवीय संवेदनाओं वाली कहानी ढूंढने निकलता है, एक छोटी बच्ची के बारे में उसे पता चलता है जिसकी माँ 7 साल पहले आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद है। इस महिला यानी कैनाज अख्तर का इंटरव्यू लेते वक्त पता चलता है कि उस पर लगाया गया आतंकवाद का आरोप झूठा है और फिर वेदांत उसकी मदद करने निकल पड़ता है। एक पाकिस्तानी महिला की मदद करने के लिए उसे समाज और परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है। सीरीज की कहानी में दम दिखता है। इस सीरीज के माध्यम से पहली बार हिंदुस्तानी जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी की जिंदगी को दिखाया जा रहा है। अभिनय के मामले में दिया मिर्जा, मोहित और बाकी के साथी कलाकारों ने अपना काम बखूबी निभाया है। एक वेब सीरीज के तौर पर काफिर की कहानी दर्शकों को खुद से जोड़ने में कामयाब रही है। इसके प्रवाह को इसके संगीत का काफी सहारा मिलता दिख रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दिया अक्सर पर्यावरण को लेकर सबको जागरूक करती दिखाई देती है। अभी हाल ही में दिया को ग्रीन गणेशा कैंपिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहां दिया ने मीडिया को ढेर सारी बातें की और बताया किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रख सकते हैं। लीजिए, आपको सुन लीजिए हमारा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ग्रीन गणेशा एक ऐसा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो आपने खुद कहा कितने 12 साल हो गए, लेकिन आज भी हम इस से जूझ रहे हैं क्योंकि हर साल गणेशोत्सव के बाद जब हम बीच क्लीन अप करने जाते हैं तो अभी भी हमें बहुत सारे ऐसे गणपति जी मिलते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। उनके पूजा में जो डेकोरेशंस यूज़ किए जाते हैं वो सब प्लास्टिक के बने होते हैं और वो हमारे समुद्र में जाते हैं और वापस आ जाते हैं हमारे पास। और बड़ा दुख होता है ये देख के कि जिनको हम पूजते हैं, जिनमें हम इतना विश्वास रखते हैं, जिन्हें हम मानते हैं द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हमने उनको इतना बड़ा ऑब्स्टिकल बना दिया है पर्यावरण के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए। मेरा मानना ये है कि गणपति जी कभी भी नहीं चाहते कि वो पर्यावरण को हानि पहुँचाए, क्योंकि वो वहीं से आए हैं। उनकी सुरक्षा करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना एक ही चीज़ होगी। तो लेकिन अच्छी बात ये है और सबसे खुशी की बात ये है कि हम हर त्यौहार को एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में मनाते हुए आ रहे हैं हजारों सालों से। वो प्रथा वापस जोर शोर से आगे बढ़े और हम सब वहीं जाएं वापस जहाँ से हम आ रहे हैं। तो इस साल आपके एम्बेसडर बनकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आप जानती हैं कि कितना मैं पर्यावरण से जुड़ी हुई हूँ और मेरा दिल खुश होता है जब एक रेडियो स्टेशन अपने लिसनर्स के साथ जुड़कर एक आंदोलन की शुरुआत करता है और उसे यहाँ तक लेकर आता है।